नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त बेहतर कमाल कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और 24 अक्टूबर 2021 को उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम दर्ज हो गया। दरअसल आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2021 को ही पहली बार पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में हराया, और उस दौरान शाहीन शाह अफरीदी ने गेंदबाजी में ऐसा कारनामा किया कि उन्होंने विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा तीनों का ही विकेट लिया, और जिसके बदौलत पाकिस्तान ऐसा कारनामा कर पाया। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने उस मैच में 151 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 10 विकेट से जीत हासिल करते हुए 151 के लक्ष्य का पीछा किया, और पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत को हराया। आपको बता दें कि उसके 6 महीने बाद अब शाहीन शाह अफरीदी ने इसके पीछे का राज बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा करने में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मैंने शाहीन अफरीदी से बात की। उन्होंने कहा कि हमने लाला से बातचीत की, सलाह मांगी और कैसे हम बेहतर करें ये हमने उनसे पूछा, क्योंकि मैंने भारत के खिलाफ बस एशिया कप में मुकाबला खेला था और वह भी वनडे फॉर्मेट था। T20 में किस तरीके से प्रदर्शन किया जाए इस बारे में मैंने उनसे सलाह मांगी, तो लाला यानी कि शाहीन अफरीदी ने मुझे कहा कि बड़ा मौका उनके पास में है, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ऐसा करो कि पूरा स्टेडियम तुम्हें देखे, और साथ ही साथ ऐसी गेंदबाजी फील्डिंग करो कि लोग तुम्हारा नाम याद रखें और अपना 100% उसमें दो। और मैंने ऐसा ही किया और मुझे अच्छे परिणाम मिले। आपको बता दें कि पहली बार भारत ने पाकिस्तान से हार का सामना किया था, और अब एक बार फिर इस साल जब के अंत में वर्ल्ड कप खेला जाएगा तब भी शाहीन शाह अफरीदी क्या कुछ कमाल करते हैं ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।